राजस्थान के डीग शहर में 21 फरवरी 1985 की रोज एक जौंगा गाड़ी पर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश की। गाड़ी से 3 शव निकले और इस भयानक हत्याकांड से 1 दिन पहले इस गाड़ी के चालक ने इसी गाड़ी से सूबे के मुख्यमंत्री का मंच तोड़ डाला था और उसके हेलीकॉप्टर को भी टक्कर मारी थी। इस घटना के 1 दिन बाद आला कमान के निर्देश पर सूबे के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया और आज मैं आपको सुना रहा हूं राजा मानसिंह के हत्याकांड की कहानी। सन 1985 राजस्थान विधानसभा के चुनाव के शोर में डूबा हुआ था। भरतपुर के राजा मानसिंह डीग विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। ये 80 का दशक था जहां एक ओर इंदिरा गांधी की मौत के बाद शोक लहर पर सवार कांग्रेस अपने सभा पर थी, वहीं दूसरी ओर डीग विधानसभा से 1952 से 1984 तक लगातार 7 बार निर्दलीय विधायक रहे भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह इस बार भी अपनी जीत के लिए अपनी मूछों पर तार दे रहे थे। 21 फरवरी को डीग का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब राजा मानसिंह अपनी जौंगा गाड़ी से चुनाव प्रचार के लिए लालकुंडा के चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से निकले। पुलिस ने अचानक उनकी जीप को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की गूंज से वहां खड़ा हर एक आदमी सहम गया, चारों तरफ धुआं। लेकिन जब धुएं का धुंध हटा तो लोगों ने देखा कि जौंगा गाड़ी से 300 बाहर की ओर निकल रहे हैं राजा मानसिंह, सुमेर सिंह और हरि सिंह। दरअसल इस शूटआउट की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दी गई थी। शूटआउट से 1 दिन पहले यानी कि 20 फरवरी को कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की डीग शहर में सेनानिवृत्त IAS अधिकारी बृजेंद्र सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा होनी थी। सभा से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 7 बार से लगातार निर्दलीय विधायक रहे राजा मानसिंह की रियासत के झंडे उखाड़कर कांग्रेस के झंडे लगा दिए थे। खबर सुनते ही मानसिंह के क्रोध का समंदर उफनने लगा और राजा मानसिंह अपनी जौंगा गाड़ी लेकर सीधे उस स्थान पर पहुंच गए जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड किया जाना था। राजा मानसिंह ने जाते ही हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी, लेकिन उस वक्त तक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अपनी चुनावी सभा के लिए वहां से निकल चुके थे। मानसिंह वहां से सीधे चुनावी मैदान की तरफ दौड़े जहां मुख्यमंत्री का भाषण होना था और मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही उन्होंने उस मंच को तोड़ डाला। उस वक्त तक मुख्यमंत्री जनसंपर्क कर रहे थे लेकिन उससे पहले उनका मंच टूट चुका था। बाद में मुख्यमंत्री को टूटे हुए मंच से ही भाषण देना पड़ा। सभा खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की खिंचाई की। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर लोकल पुलिस के अंदर भी रोष था। राजा मानसिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका था। अगले दिन 21 फरवरी को मानसिंह लालकुंडा चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से गुजरे तो CO कानसिंह भाटी के चालक महेंद्र ने पुलिस जीप को राजा मानसिंह की जौंगा गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया। इसके बाद लोगों को सिर्फ आसमान में उड़ता हुआ धुआं और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। इस घटना के बाद डीग थाने के SHO वीरेंद्र सिंह ने राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह सरोही के खिलाफ 21 फरवरी को ही धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उन्हें उनके साथी बाबूलाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसी रात जमानत भी हो गई। अगले दिन 22 फरवरी को दिल्ली से माखनलाल फोतेदार ने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को फोन करके कहा कि आला कमान का निर्देश है, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। शिवचरण माथुर से इस्तीफा लेकर हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 22 फरवरी को महल के अंदर ही राजा मानसिंह का दाह संस्कार किया गया। अगले दिन 23 फरवरी को विजय सिंह सरोही ने डीग थाने में राजा मानसिंह और उनके 2 अन्य साथियों की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। 3-4 दिन में ही ये मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। CBI ने हत्या से पूर्व मुकदमों में FR लगाई। हत्या का मामला जयपुर की CBI की विशेष अदालत में चलता रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह केस 1990 में मथुरा के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। 35 वर्ष बाद 21 जुलाई 2020 को मथुरा की अदालत ने 11 पुलिसकर्मियों को इसमें दोषी ठहराया, जिनको आजीवन कारावास और 10,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई।